खबर नर्मदापुरम से, वर्ल्ड विजन इंडिया और ज्वाइनिंग फोर्सेस फॉर इंडिया जिला स्तरीय कार्यशाला की आ गई आयोजित। 16 दिसंबर को इटारसी के प्लैटिनम होटल में पाल हिंसा रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित डहेरिया, जिला प्रोग्राम समन्वयक एस वासनिक, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ममता घाटोल, लेबर ऑफिसर ज्योति, वर्ल्ड विजन इंडिया एसोसिएट डायरेक्टर सत्यप्रकाश, प्रवीण प्रकाश बंसोडे, नर्मदापुरम प्रबंधक सनल पवार, कमलेश साहू, वेदा चिल्लम, अनिल नेवले उपस्थित रहे। बाल हिंसा पर कार्यशाला की शुरुआत वर्ल्ड वाइड इंडिया के प्रबंधक सनम पवार द्वारा की गई। बाल हिंसा से परिचय कराया, साथ ही एसोसिएट डायरेक्टर द्वारा ज्वाइनिंग फौज के विषय में विस्तार से बात की। 6 बड़ी संस्थाओं द्वारा बाल हिंसा की रोकथाम के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही। बाल हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे। देखा जाए तो देश में बाल हिंसा को लेकर घटनाएं बढ़ रही, चाहे वो यौन हिंसा हो या मानसिक, इंटरनेट और मोबाइल अप्रत्यक्ष रूप से भी हिंसा हो रही। अतः बाल हिंसा की जागरूकता के लिए सभी को मिलकर समाज में एक जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। माता पिता या बच्चों को बाल हिंसा के विषय में विस्तार से यदि जानकारी हो तो बाल इंसानों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। वर्ल्ड विजन इंडिया और ज्वाइनिंग फोर्स इंडिया द्वारा पंचायत स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में भी आयोजित की गई, जिसमें विस्तार से बाल हिंसा को लेकर वालों संवाद और चर्चाओं के माध्यम से बाल हिंसा की रोकथाम के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। तो जब हम देखते हैं इंडिया में 2017 में वहाँ पे फॉर्म हुआ और उसके बाद जब जो इंडिया में हम लोग का ये ज्वाइनिंग फोर्सेस का 2018 में शुरू हुआ और उसके बाद 18 में स्टार्ट हुआ और 19 में इट वाज डिसाइडेड बाय ऑल दिस सिक्स ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग चाइल्ड राइट सिचुएशन एनालिसिस करें। तो 2019 में इट वाज डिसाइडेड जो कि एसडीजी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खबर भारत वर्ष के लिए नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।